टोल फ्री नंबर है, उस पर भी उनका जो आवेदन होता है रिकॉर्ड हो जाता है, उसका जवाब हम लोग भेज देते हैं। ईमेल से या ट्विटर के माध्यम से भी जो हम लोग को लोग सवाल पूछते हैं उनका भी हम लोग जवाब दे रहे हैं। ईवीएम हम लोग 4 पद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटो का तो अभी नहीं है, सिम्बॉल रहेगा, नाम रहेगा। बिहार पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, इसके साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इस वक्त हम निर्वाचन आयोग के कार्यालय में हैं, जहां पे एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और कंट्रोल रूम किस तरीके से काम कर रहा है वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में ही यह कंट्रोल रूम बनाया गया है और इस तरफ देखें तो इधर कॉल सेंटर कोषांग है, जहां पे एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जो भी लोगों को समस्या होगी वो इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे और यहां से फिर उनकी सहायता की जाएगी। फिलहाल कंट्रोल रूम का कार्य लगातार चल रहा है और लोगों को यहां से मतदान केंद्र के बारे में जानकारी दी जा रही है, उनका नाम वोटर आईडी में है या नहीं इस बात की जानकारी दी जा रही है। लोगों को जो भी समस्या है उसका समाधान लोगों को टोल फ्री नंबर के ज़रिए यहां से दिया जा रहा है। उसके लिए एक अलग टीम बनाई गई है जो लोगों का कॉल रिसीव करती है और उसके बाद जो भी क्वेरी उनकी होती है उसको दूर किया जाता है। नंबर आपको बता देते हैं, 1800-3457-243 ये नंबर है जिस पे लोग कॉल करेंगे और अपनी समस्या रखेंगे और उसके बाद यहाँ से उनकी समस्याओं का निदान होगा। हमने राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव से खास बातचीत की है, वो भी आप सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। अभी जो काम कर रहा है लोगों को मतदान केंद्र के बारे में या उनका नाम मतदाता सूची में है या नहीं लोग पूछते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर भी उनका जो आवेदन होता है रिकॉर्ड हो जाता है, उसका जवाब हम लोग भेज देते हैं। उसके अतिरिक्त हमारी टीम है जो उनके कॉल को अटेंड करती है और उनका जवाब देती है। उसके अतिरिक्त ईमेल से या ट्विटर के माध्यम से भी जो हम लोग को लोग सवाल पूछते हैं उनका भी हम लोग जवाब दे रहे हैं। सर, ईवीएम से पहले ईवीएम हम लोग 4 पद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और पंच और सरपंच के लिए बैलेट बॉक्स का इंतजाम कर रहे हैं। तो हम लोग एक प्रोमो रिकॉर्डिंग करके सब जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को बताएंगे और हम लोगों ने जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा उसका हम लोगों ने कलर कोड, जो उनका बैलेट पेपर का कलर है वही कोड हम लोगों ने वोटिंग कंपार्टमेंट पर भी रखा है, सो दैट कि जिस पद के लिए वो ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको उस कलर से पहचान। सर, लोगों का एक सवाल है कि क्या ईवीएम में जो प्रत्याशी है उनका फोटो भी होगा? फोटो का तो अभी नहीं है, सिम्बॉल रहेगा, नाम रहेगा। अभियान कब से चला जाएगा? तो ये 1 तारीख के बाद हम लोग करेंगे, अभी हम लोग का रिकॉर्डिंग वगैरह तैयार हो रहा है, हम लोग शूट कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी कि कैसे वो इंटर करेंगे और कैसे उनको वोट दे करके वो बाहर। ग्रामीण इलाकों में ये तो इस बार हम लोग इसमें CPMF का इस्तेमाल नहीं होता है, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया। हम लोग उच्च स्तर पर इसकी समीक्षा कर रहे हैं और जितने साधन है उसका हम लोग इस्तेमाल, जो मतलब बिहार जो सरकार जो पुलिस है उसी का इस्तेमाल।